किसान मोर्चा के अनुरोध पर भारत बंद के समर्थन में सोमवार 27 सितंबर को हिंगना तालुका में केंद्र के तीन काले कानून के खिलाफ किसान आंदोलन किया गया। इस दौरान तीन काले कानून रद्द करने हेतु हिंगना के तहसीलदार के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का आंदोलन किया है। बंद के समर्थन में भूमि जनशक्ति परिवर्तन, शेतकारी शेत मजदूर संगठन, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन, राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी, अखिल भारतीय छात्र संगठन, अखिल भारतीय जनतांत्रिक युवा संगठन, अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन और अन्य संगठन द्वारा भारत बंद आंदोलन किया गया। किसान आदमी ऐसे एक दाना बोते है और सौ दाने उगाते है और तुमको पालते है। हम किसान है, किसान है तो दुनिया है, किसान नहीं तो अनाज नहीं उगा गए तो दुनिया क्या खाएगे, क्या कंपनी का माल खाएगे, क्या लोहा लोकन खाएगे। आज हमी हिंदू शेतकरी जो बैठे है दिल्ली में, वो निवेदन अभी काले कायदे रद्द करने के वास्ते शेतकरी के वो होना चाहिए। और भारत बंद जो भारत बंद का आह्वान था उसने आह्वान दिया, वो उनका हमारा उसको समर्थन है। के तहत पूंजीपतियों के हाथ में जाएगा। मीन्स पूंजीपति एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसानों से और उस कॉन्ट्रैक्ट में बोलेंगे हम लोग इतना दाम देंगे। अभी हो सकता है वो दाम कम भी हो ज़्यादा भी हो, और वो जो दाम जो कॉन्ट्रैक्ट तय किया गया उसमें फेरफार करने का पूरा इजाज़त पूंजीपतियों का ही है। मीन्स किसानों के हाथ में कुछ नहीं है, जो भी कुछ होगा किसानों का नुकसान ही होगा। तीसरा लॉ कह रहा है एसेंशियल कमोडिटी एंड अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या कह रहा है कि सरकार पहले जिस तरह से दाल, तेल, अनाज, खाद्य पदार्थ जो था एसेंशियल जो लोगों को ज़रूरत है उसको काला बाजार ही नहीं करने देता था, उसके खिलाफ कानून बनाया था, अभी वो कानून निकाल दिया जा रहा है। मीन्स इसका मतलब है पूंजीपतियों को बेरोक टोक जो है वो कालाबाजारी कर सकते हैं, वो उसकी पूरी के पूरी जमाखोरी कर सकते हैं। तो किसानों को क्या मिला। हिंगना से NBCN न्यूज़ के लिए आशीष गोनाणे की रिपोर्ट।